खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आज ईडी यहां भी छापे कर रही है और ये छापे मनरेगा घोटाले में राज्य की चार जगहों पर मारे जा रहे हैं। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक, मुर्शिदाबाद के बहरामपुर, हुगली जिले के चिंचुरा और झाड़ग्राम जिला सदर में ये छापेमारी चल रही है और सूत्र बता रहे हैं कि चारों जगह पर ब्लॉक लेवल के सिविल सर्वेंट अधिकारियों के घरों में ईडी के छापे चल रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार इस मामले में केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाकर फंड रोकने का आरोप लगा रहे हैं। आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल के चार जिलों में कई स्थानों पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। ये रेड जो चल रही है, ये 100 दिन के जो काम है मनरेगा के, वहाँ उसमें जो एलिजेड घोटाला है, जो कि जिसपे कि कुछ FIR दर्ज किए गए हैं ईडी के साथ, उस संदर्भ में ये रेड चल रहे हैं। ये रेड जो चल रहे हैं वो कोलकाता के पास सॉल्ट लेक में, मुर्शिदाबाद ज़िले के बहरमपुर में, हुगली ज़िले के चिशुरा में और झाड़ग्राम ज़िला सदर में चल रहा है। और अब तक ईडी के सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि ये जो रेड चल रहे हैं, ये ब्लॉक लेवल सिविल सर्वेंट कुछ हैं, कुछ आधिकारिक है बंगाल सरकार के, उनके विरुद्ध, और कुछ पंचायत फंक्शनरी और फॉर्मर पंचायत जो पूर्व के पंचायत फंक्शनरी हैं उनके विरुद्ध है। मगर ये रेड तब हो रहा है जबकि पहली बार राज्य में मनरेगा के संदर्भ जो FIR हुए हैं ईडी के समक्ष, उनके उन पे रेड हो रहा है। और ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फरवरी के इसी महीने के 3 और 4 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक धरना पे वो बैठी और राज्य सरकार का ये दावा है कि 7,000 करोड़ रुपये जो कि मनरेगा के 2 साल के पेंडिंग ड्यूज हैं, 21 लाख लोगों के जिन्होंने मनरेगा के मैंडेट में काम किया है, उनको राज्य सरकार पे नहीं कर पाई क्योंकि केंद्र सरकार ने वो ड्यूज क्लियर नहीं किया है। और इसके पहले राज्य सरकार और ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो एलिगेशन है मनरेगा के मनरेगा के फंड मिसयूज का, ये गलत है। और इसके पहले केंद्रीय सरकार ने बहुत सारी कमिटीज भेजी हैं इसकी वेरिफिकेशन के लिए, और राज्य सरकार ने बार बार ये एलिगेशन लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर कि BJP की जो सरकार है वो जो जांच एजेंसियां हैं ED या फिर CBI, इनको राजनीतिक तौर से पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले पश्चिम बंगाल के मंत्रियों और तृणमूल के नेताओं को दूसरे जो मामले हैं जिसकी तहकीकात ED या CBI कर रही है, जैसे रेशन घोटाले का मामला हो या फिर जो इसके पहले जो टीचर रिक्रूटमेंट का मामला हो, इन सब में इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है और इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। और ये तब हुआ है, ये अब ये जो रेड्स फ्रेश रेड हैं ये तब हुए हैं जब ममता बनर्जी ने 4 तारीख को अपने जो अनशन स्थल से कहा था कि 21 तारीख को जो 21 लाख लोग हैं जिनको मनरेगा के पैसा नहीं मिला था, उनको राज्य सरकार खुद उनकी पैसा क्लियर करेगी और केंद्र सरकार के लिए और वो वेट नहीं करने वाले हैं। और कल राज्य के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं BJP के शुभेंदु अधिकारी, वो दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद कलकत्ता पहुंचने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बहुत कैटेगरिकली ये कहा था कि कुछ एक्शन लिया जाएगा ये सब एलिगेशन के ऊपर। तो तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक हार्ड स्टैंड लिया है तो उसके विरुद्ध ये किया जा रहा है। मगर अब वहाँ पे ईडी के रेड्स चल रहे हैं।